हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो वी आर ऑन द चैप्टर डिफरेंशिएशन। अभी ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये भी आईआईटी में पूछा गया है और अच्छी कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें पूछा क्या है, x cos y plus y cos x equals to pi, आपको एक इक्वेशन गिवन है, d2y by dx square at x equals to 0 पे उसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक और क्वेश्चन उधर लिखा हुआ है तो, और यहाँ पे या तो ये पूछेगा या फिर और f डबल डैश x एट x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या होगी, है ना। दोनों का मतलब सेम है यहाँ पे। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो एट x इक्वल टू जीरो पे सबसे पहले तो y की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या होगी। तो मैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू जीरो पुट करूंगा, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन। x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं यहाँ पे, जीरो प्लस y cos 0 इक्वल टू पाई हो गया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब y इक्वल टू क्या हो गया, पाई। ये निकल के आ गया, मतलब लास्ट में जब आपके पास d2y by dx square की वैल्यू आ जाएगी तो वहां पे आपको x इक्वल टू 0 पुट करना है एंड y इक्वल टू पाई पुट करना है। ये पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिया, 0 कॉमा पाई पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली स्टेप तो यही होती है इसमें। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू बताओ क्या होगी, तो जो भी इक्वेशन गिवन हो उसमें x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके सबसे पहले आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y इक्वल टू पाई आ गया है यहाँ पे। अब मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करके d2y by dx square की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो डिफरेंशिएशन करते हैं अभी। तो x cos y, तो ये जो इक्वेशन है अपनी इक्वेशन नंबर वन, इसका ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x मैंने डिफरेंशिएशन किया। तो देखिए x को छोड़ दिया, cos y का माइनस साइन y, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो dy by dx आएगा। प्लस cos y को छोड़ दिया, x का वन हो गया, है ना, u into v से ही होगा। सिमिलरली y cos x, तो प्लस y को छोड़ दिया, cos x का माइनस साइन x, ये हो गया। प्लस cos x को छोड़ दिया y का dy by dx इक्वल्स टू, उधर पाई है, पाई का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है एक। तो यहां पे dy by dx इन दोनों टर्म में आ रहा है, तो dy by dx कॉमन ले लो। dy by dx मैंने कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचेगा आपके पास, cos x माइनस x साइन y, ये रिमेनिंग रहा। इन दोनों टर्म को उधर भेज दोगे तो ये नेगेटिव वाला टर्म उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, y sin x पॉजिटिव हो गया और ये जो है इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस cos y हो गया। तो जो dy by dx की वैल्यू है वो अपने पास आई है y sin x माइनस cos y अपॉन cos x माइनस x sin y। ठीक है, ये हो गया। तो ये dy by dx की वैल्यू आ गई। अब इसका फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना है, जो कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। अब सपोज करो अपन से यहीं पे पूछा होता कि dy by dx की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे बताओ क्या होगी। सपोज करो क्वेश्चन में d2y by dx स्क्वायर नहीं दिया हुआ, dy by dx ही दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू पाई इसी में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो जो dy by dx की वैल्यू है एट 0 कॉमा पाई, है ना, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू पाई पे क्या होगा, तो y इक्वल टू पाई है तो यहाँ पे पाई साइन x मतलब साइन 0 माइनस cos पाई अपॉन cos x मतलब cos 0 माइनस x मतलब 0, साइन पाई का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 0 उसको 0 कर देगा। तो देखो साइन 0 0 होता है तो 0 हो गया, cos pi की वैल्यू माइनस वन होती है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस वन, और cos 0 भी 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आया, 1। अगर वो पूछा होता तो अपना आंसर 1 निकल के आ जाता, बट उसमें फिर से डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला हुआ है। तो देखो इस इक्वेशन का अपन फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा स्टेप होगा। तो देखिए करना क्या है, dy by dx क्या है अपने पास, y sin x माइनस cos y अपॉन cos x माइनस x sin y। अब ऑब्वियसली u अपॉन v यूज होगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर इनटू ऊपर, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमिनेटर को छोड़ दिया डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला याद है u अपॉन v वाला। सो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, तो cos x माइनस x sin y का होल स्क्वायर। इसको विदाउट डिफरेंशिएशन छोड़ोगे आप, तो इसको विदाउट डिफरेंशिएशन छोड़ दो, तो cos x माइनस x sin y को विदाउट डिफरेंशिएशन मैंने छोड़ दिया।
इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा y sin x। अब देखो y sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y को छोड़ दिया sin x का cos x प्लस sin x को छोड़ दिया dy by dx, ठीक है। नाउ अब इसका cos y का माइनस का sin y into dy by dx, तो प्लस sin y into dy by dx, ऊपर वाले टर्म का हो गया डिफरेंशिएशन माइनस। अब इसको विदाउट डिफरेंशिएशन छोड़ना पड़ेगा आपको y sin x माइनस cos y को, तो y sin x माइनस cos y को मैंने विदाउट डिफरेंशिएशन छोड़ दिया। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसके मल्टीप्लाई में एक टर्म और आएगी, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। इसका डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस, अब यहां पे फिर से मैंने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि माइनस है अंदर, x को छोड़ दिया sin y का cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, बीच में प्लस आएगा प्लस, इस बार मैंने क्या किया साइन वाई को छोड़ दिया और जो एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वो वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आपको मल्टीप्लाई में लिखनी है यहां पे, ये हो गया। अब सीधा ही इसमें क्या करेंगे अपन, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू सीधी फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो इसको फिर से सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो कमा पाई पे अपन ने फाइंड आउट कर ली है, वो तो वन आ गया है, तो ये वाली वैल्यू भी इसमें यूज होगी, इसी वजह से अपन ने यहाँ पे ये निकाला था। और मे बी क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ होता तो भी अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें सीधा मैं x इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगा और y इक्वल टू पाई मैं पुट कर दूंगा, ये वाला जो पॉइंट है मेरा, मेरे को सीधा ही आंसर फाइंड आउट करना है। फिर से इसको आप ब्रैकेट हटाओगे अच्छे से जमाओगे उसकी जरूरत नहीं है, सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो cos जीरो है ना, अब देखो मैं यहाँ पे सीधा ही वैल्यू यूज कर रहा हूँ, जो जीरो हो जाएगा उसको लिखने की जरूरत नहीं, cos जीरो की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ पे आया वन माइनस x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं पूरा टर्म जीरो हो गया, तो वन माइनस जीरो ये ब्रैकेट है अंदर ब्रैकेट, y की वैल्यू पाई है cos 0 1 होता है तो यहाँ पे पाई बचेगा, प्लस sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, प्लस sin y मतलब sin pi की वैल्यू sin n pi 0 होता है तो sin pi की वैल्यू भी 0, उसके साथ dy by dx है मतलब वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला भी ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं तो sin 0 sin x है ना, तो sin 0 मतलब 0 और cos 0 मतलब माइनस 1, तो 0 माइनस वन, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, उसके साथ में ये वाला ब्रैकेट भी आएगा तो माइनस साइन जीरो तो जीरो हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस ये वाली टर्म आएगी, ये एक्स इक्वल टू जीरो इसको फिर से जीरो कर देगा तो ये भी जीरो हो गया, अंदर ये वाला टर्म बचेगा विच इज साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू अगेन क्या हो गई आपके पास जीरो, तो यहाँ पे तो पूरा ही जीरो हो गया, ये वाला जो टर्म है पूरा ही जीरो हो गया, अपॉन कॉस जीरो वन होता है माइनस एक्स इक्वल टू जीरो है तो जीरो का होल स्क्वायर, ये हुआ। यहाँ पे वन इंटू पाई कितना हो जाएगा पाई, बाकी इधर वाला पूरा टर्म जीरो हो रहा है, जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर पूरा जीरो हो जाएगा और नीचे भी वन ही है, तो आंसर कितना आया आपके पास ओनली पाई। तो इस क्वेश्चन के लिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो कितनी निकल गया ये अपने पास पाई है ना। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, अगर आपने कोई सिली सी सिंपल मिस्टेक नहीं की है, काफ़ी इजी वाली जो सिली मिस्टेक्स होती है जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन गलत लिख दिया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन गलत लिख दिया, तो प्रोबेबली चांस है कि आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। तो ध्यान रखना अगर इस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन पूछा गया तो बस डिफरेंशिएशन पे आपको फोकस करना है, अगर डिफरेंशिएशन आपने सही किया तो क्वेश्चन सही होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देखिए, क्वेश्चन क्या है मैं फिर से लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है अपन को, वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है ना, और अपन से क्या पूछ लिया 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ध्यान दो इस पे, इसको भूल जाओ, तो y क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो जो भी होगी, फिर उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रेस्पेक्ट टू x, तो जो वैल्यू आएगी ना वो बतानी है आपको। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है, उसका जो आंसर है पी एक्स पी डैश एक्स पी ट्रिपल डैश एक्स इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसी फॉर्म में अपन को फाइंड आउट करना है। तो चले सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन में इस इक्वेशन का मैंने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, सबसे पहले तो देखो मेरे को अंदर वाले टर्म की, ये जो
इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। इसमें पहली स्टेप क्या होगी, d2y/dx² को फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले dy/dx, फिर उसी का तो डबल बार डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, d2y/dx², वो जो भी टर्म आई उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, y क्यूब से, वो हो गया। फिर जो भी टर्म आएगी उसको अगेन डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर जो लास्ट में आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो बेसिक स्टेप्स है, इसी टाइप से आपको स्टार्ट करना है। तो ऑब्वियसली dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे को इस इक्वेशन का ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वही अप्लाई कर दो, 2y/dy/dx इक्वल्स टू p-x हो जाएगा, px का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स p-x। अगर यहाँ पे py होता ना तो p-y इंटू dy/dx होता, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन आप विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो, पर यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन ही अपन विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो dx/dx आएगा, वो कैंसिल आउट हो गया। जो dy/dx है ये 2 को यहीं पे रहने दो, उसकी वैल्यू कितनी हुई, p-x/y। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है अपन को, d2y/dx² फाइंड आउट करना है, तो 2d2y/dx² u/v यूज होगा, y² ठीक है, y² y को छोड़ दिया, p-x का विद रेस्पेक्ट टू x, p-x माइनस p-x को छोड़ दिया, y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx। अब जो dy/dx की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये अपन को यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है ये भी कहाँ से पता चलता है, आपको ऑप्शन देख के, जो ऑप्शन से वो px p-x की फॉर्म में ही है, मतलब dy/dx की फॉर्म में आंसर ही नहीं आ रहा है। मतलब अपन को ये जो dy/dx है ना अपने सॉल्यूशन में, उसको अपन को किस में चेंज करना पड़ेगा, px या फिर p-x में। तो ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ पे p-x/2y, तो 2d2y/dx² इक्वल्स टू y into p-x माइनस p-x into कितना हो जाएगा, p-x/2y/y². यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम लेंगे अपन यहां पे ऊपर, तो जो 2d2y/dx² की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहां पे ये 2y इधर आके 2y² हो जाएगा, 2y² p-x माइनस p-x दो बार आ रहा है तो इसका होल स्क्वायर हो गया, अपॉन 2y नीचे आके 2y क्यूब बना लेगा। ओके, अब 2y क्यूब हो गया है यहाँ पे। ओके, अब इसको अपन को उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अब d2y/dx² की तो वैल्यू आ गई, y क्यूब और चाहिए, तो y क्यूब अपन को यहीं पे दिख रहा है ना, तो मैं इस वाली टर्म को सीधा उधर भेज देता हूँ, और ये 2 को मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि इधर ओनली 2 चाहिए, 4 नहीं चाहिए। तो 2y³ d2y/dx² की वैल्यू, देखो y² आ रहा है यहाँ पे, y² को मैं क्वेश्चन में से क्या किसमें चेंज कर सकता हूँ, y² = px है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन px और p-x की फॉर्म में ही दिए हुए हैं, इस वजह से अपन ऐसा रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2px into p-x माइनस p-x का होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म आई है ना इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देखो d/dx लिखा हुआ है तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप, और यहां पे जो है 2 यहीं पे था तो इनटू 1/2 होगा ये। ओके, नाउ जो उसने पूछा था वही वहीं तक अपन पहुंच गए हैं, 2 into d/dx ऑफ दिस होल टर्म y³ d2y/dx² इक्वल्स टू 1/2 बाहर है, अब यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो u into v यूज होगा, 2 px को छोड़ दिया, p-x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, p-x है ना, तीन बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, p-x प्लस 2p-x को छोड़ दिया, px का विद रेस्पेक्ट टू x, p-x। ओके, ये समझ आया होगा अपन को, u into v अपन ने यूज किया और मैंने 2 को भी अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया है, क्या होगा, px को छोड़ दिया p-x का p-x, p-x को छोड़ दिया px का p-x, माइनस यहां पे
x स्क्वायर का 2x, तो 2 p डैश x, p डैश x को x सपोज किया तो p डैश x का फिर से p डबल डैश x। ओके, अब देखो अपन को यहां पे दोनों टर्म सेम नजर आ रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट हो गई, ओनली ये टर्म रिमेनिंग रहा और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, कितना रिमेनिंग रहेगा अपने पास px * p ट्रिपल डैश x। तो जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का वो है px * p ट्रिपल डैश x। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज px * p ट्रिपल डैश x। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया था, आई होप आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ, काफी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है अपने पास टाइटल नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, वो कैसे करते हैं वो भी अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइटल में। नाउ आवर नेक्स्ट टाइटल इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, वो किस टाइप से करना है उसी पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर इन आवर प्रीवियस वीडियोज, अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो आई हैव अ प्रोडक्ट विच इज टेस्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके जरूर चेक कीजिएगा। तो जैसे देखिए कोई भी डिटरमिनेंट आपको इस स्टेप से दिया हुआ है, जैसे कोई भी डिटरमिनेंट ए हो गया, यहाँ पे हो गया एफ एक्स जी एक्स के एक्स एंड पी एक्स, मतलब एक्स के ही फंक्शंस है सारे। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है डी ए अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में सारे अंदर एक्स के फंक्शन दिए हुए हैं, तो होगा क्या, पहले पहली रो का डिफरेंशिएशन होगा, दिस इज अवर आर वन एंड दिस इज अवर आर टू, ये रो टू है एंड दिस इज अवर रो वन। तो पहले रो वन का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर बीच में एडिशन आएगा, फिर सेकंड रो का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब एफ डैश एक्स जी डैश एक्स के एक्स ऐसा का ऐसा रहेगा और पी एक्स भी वैसा का वैसा रहेगा, प्लस अब आर वन को छोड़ दिया मतलब एफ एक्स वैसा का वैसा जी एक्स वैसा का वैसा, अब आर टू का डिफरेंशिएशन मतलब के एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, के डैश एक्स पी एक्स का पी डैश एक्स, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसीजर है। अब जैसे अगर ऐसा होता ए इक्वल्स टू यहां पे आर वन आर टू एंड आर थ्री, थ्री रो है जो मैट्रिक्स है उसमें थ्री रोज दी हुई है, यहां पे तो टू ही रो है, तो जो डी ए बाई डी एक्स होगा ना वो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ आर वन, आर टू अनचेंज आर थ्री अनचेंज, ठीक है, प्लस आर वन अनचेंज रखो इस बार, डी बाई डी एक्स ऑफ आर टू, पूरी रो का डिफरेंशिएशन करना है और आर थ्री को भी अनचेंज रखना है, प्लस आर वन अनचेंज आर टू अनचेंज डी बाई डी एक्स ऑफ आर थ्री। तो प्रोसीजर समझ आया होगा आपको, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है तो ऐसा करना है, 3 क्रॉस 3 का ऐसा करना है, 4 क्रॉस 4 का, 4 क्रॉस 4 का आ गया तो भी आपको यही प्रोसीजर अप्लाई करना है, 2 इंटू 3 का नहीं आएगा क्योंकि जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, 2 क्रॉस 3 की आपको मैट्रिक्स मिलेगी, डिटरमिनेंट नहीं मिलेगा। तो ये अगर प्रोसीजर आपको समझ आया है तो उसी पे बेस्ड दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों एग्जाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन क्या है, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, मतलब इस ये जो टर्म है आपके पास, ये जो आपके पास डिटरमिनेंट है इसका आपको तीन टर्म, तीन टाइम क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद उसकी वैल्यू बतानी है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो सपोज करो ये मेरे पास ए है, तो ए की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 माइनस 1 0 ए बी एंड सी, ए बी सी यहां पे कांस्टेंट है। अब मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो a डैश आ जाएगा या डी ए अपॉन डी एक्स भी मैं लिख सकता हूं, पहली रो का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, 6 माइनस 1 0 ऐसा कैसा रहेगा, a b और c भी ऐसा कैसा रहेगा, प्लस पहली रो का डिफरेंशिएशन हो गया, अब पहली रो को अनचेंज छोड़ना है तो यहाँ पे एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स ऐसा कैसा आ गया, 6 माइनस 1 0, तीनों कांस्टेंट है तो इनका डिफरेंशिएशन 0 0 0, ए बी सी को अनचेंज, प्लस आर वन और आर टू को अनचेंज छोड़ना है तो एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 माइनस 1 0 और ए बी सी तीनों भी कांस्टेंट है तो इन इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 0 एंड 0। अब जैसा अपन ने पढ़ा हुआ है अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0।
तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, क्योंकि इसमें R3 के सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसमें R2 के सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो ये a डैश की वैल्यू आई है। अब a डबल डैश x फाइंड आउट कर लो, a डैश की वैल्यू बस यही है क्योंकि बाद में तो जीरो जीरो है। सिमिलरली a डबल डैश x फाइंड आउट करेंगे तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 6x cos x का माइनस sin x, sin x का माइनस cos x, है ना, माइनस पहले से था, ये अनचेंज रहेंगे, 6 माइनस 1 0 a b एंड c, प्लस इस बार इसका डिफरेंशिएशन करते अगेन जीरो होगा, R2 की वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी जो रो 2 है अपनी, तो उसकी भी आंसर जीरो और उसका भी आंसर जीरो, है ना, फिर से वो लिखने की जरूरत नहीं है, सेम अप्लाई हो रहा है वहां पे। नाउ a ट्रिपल डैश मतलब इसका तीन बार मैंने डिफरेंशिएशन किया, तो 6x का क्या हो जाएगा, 6 माइनस sin x का माइनस cos x माइनस cos x का sin x, 6 माइनस 1 0 a b एंड c, प्लस 0 एंड प्लस 0 आएगा क्योंकि जो बाद वाले दो डिफरेंशिएशन होंगे उसमें रो 2 और रो 3 पूरी 0 हो जाएगी। ये हो गया अब a ट्रिपल डैश x, a ट्रिपल डैश की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 पे पूछी थी उसने, x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, तो वैल्यू देखो क्या होगी, जो 6 है यहां पे 6 तो वैसा का वैसा रहेगा, माइनस cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है मतलब माइनस 1 हो गया, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, सेकंड रो 6 माइनस 1 0 है और लास्ट रो a b एंड c है। जो दूसरा रूल अपन ने पढ़ा हुआ था डिटरमिनेंट में वो क्या था, अगर डिटरमिनेंट की दो रो सेम हो जाती है या दो कॉलम सेम हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं या रेशियो में हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल में है अपने, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां पे भी इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि दो कॉलम जो है, दो रो जो है उनकी वैल्यू सेम हो गई है, 6 माइनस 1 0 6 माइनस 1 0। तो जो ये क्वेश्चन है इसका भी आंसर कितना है अपने पास, 0। तो ये भी इजी है, डिटरमिनेंट का अगर डिफरेंशिएशन आ जाता है तो काफी इजी क्वेश्चन होता है, आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछा गया था और वो अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज, मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पे, x e की पावर x sin x स्क्वायर, है ना, एंगल का स्क्वायर हो रहा है, cos square x, cos x का होल स्क्वायर है, e की पावर x का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू दी हुई है अपन को a plus bx plus cx square, इस टाइप से जाता हुआ जा रही है अप टू n टाइम्स तक, a एंड b पूछा है अपन से, a एंड b की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन था और आईआईटी में पूछा गया था। सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, a की वैल्यू पूछी है तो अगर x equals to मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं ना सभी जगह तो a आ जाएगा ना मेरे को, तो ध्यान रखना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो जो सॉल्यूशन का मेथड होता है काफी सिंपल है। a तो यहां पे नॉर्मल है, अगर x equals to 0 मैंने पुट कर दिया, पुट x equals to 0 तो ओनली a बचेगा, तो a equals to यहां पे भी 0 पुट करेंगे, 0 sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है और e की पावर 0 भी 1 हो गया, तो एक रो पूरी जीरो होगी तो डिटरमिनेंट का आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। तो a की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 0, ये तो सॉल्व हो गया। नाउ b फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, b फाइंड आउट करने के लिए आपको इस इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x e की पावर x का डिफरेंशिएशन, x को छोड़ दिया, e की पावर x का e की पावर x plus e की पावर x को छोड़ दिया, x का 1 sin x का sin x स्क्वायर का cos x स्क्वायर into 2x, पहली रो का डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरी रो को अनचेंज छोड़ो, तो cos स्क्वायर x और e की पावर x प्लस, अब सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करना है तो पहली रो को ऐसा कैसा छोड़ दो, x e की पावर x sin x स्क्वायर, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन मतलब x स्क्वायर का कितना होगा, 2x, तो 2 cos x into cos x का फिर से माइनस का sin x, हो गया डिफरेंशिएशन। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है sin x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो a का डिफरेंशिएशन 0, a इज अ कांस्टेंट, bx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, ओनली b, प्लस cx स्क्वायर का
2x into c plus इसके बाद वाली जो टर्म थी ऐसा का ऐसा। अब मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है जब मैं x equals to 0 पुट करूँगा तो ये बाद वाले पूरे टर्म 0 हो जाएंगे जैसा वहाँ पे हुआ था, और इधर से अपन को x की वैल्यू मिल b की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट x equals to 0 उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर c की वैल्यू भी इसने पूछ ली होती ना तो आप क्या करते, इस इक्वेशन का अगेन डिफरेंशिएशन करना है फिर x equals to 0 पुट करना है तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c आल्सो, बट c उसने पूछा नहीं है तो बस इसमें x equals to 0 पुट कर दो। तो देखो यहां पे क्या होगा, x equals to 0 पे ये 0 e की पावर 0 1 cos 0 1 होता है, और x equals to 0 ये पूरा 0 हो गया, cos 0 1 का स्क्वायर 1 e की पावर 0 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 0 sin 0 0 2 sin 0 0 हो गया, e की पावर 0 1 हो गया। तो ये तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0 है, और यहां से सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 1। तो b की वैल्यू कितनी आई अपने पास 1। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, ये भी काफी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। Yes, our next title is higher order derivatives. अब बुक में पूरा चैप्टर है इस पे बेस्ड। चैप्टर क्या मतलब, पूरी एक्सरसाइज मिलेगी आपको सीबीएसई में। काफी इजी लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट होके थोड़ा डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगे। तो मैं कुछ दो तीन क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। काफी आसान है ये वाले जो डेरिवेटिव है। देखो वन टाइम जो डिफरेंशिएशन है, ये एक बार डिफरेंशिएशन है, उसको अपन इस टाइप से राइट करते हैं। y1 भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, dy by dx भी लिख सकते हैं, कैपिटल dy भी लिख सकते हैं, या फिर f डैश x भी लिख सकते हैं। इन सभी के बारे में आपको पहले से पता है। दो बार करेंगे तो उसको y2 भी लिख सकते हैं, y डबल डैश x d2y by dx स्क्वायर d2y, या फिर f डबल डैश x, ये भी आपको पता है। तीन बार डिफरेंशिएशन को अपन y3 y ट्रिपल डैश d3y upon dx cube, या फिर d3y, या फिर f triple dash x भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जो n टाइम डिफरेंशिएशन है उसको अपन yn y की पावर n इस टाइप से लिख सकते हैं। ये तो नॉर्मल सा था कि आप रिप्रेजेंट किस टाइप से करते हो। अब जैसे देखो क्वेश्चन आ गया तो उसको किस टाइप से सॉल्व करना है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी रेयर केस में एग्जाम में पूछा जाता है। जो दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे पहला क्या है, y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है x इंटू x प्लस रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर होल रेस टू पावर n। अपन से पूछ लिया है 1 प्लस x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x y1 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है अपन से क्वेश्चन में। तो देखो सॉल्व करने के लिए करना क्या है, इसका मतलब y2 आ रहा है और y1 आ रहा है, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। पहले तो एक बार डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू x की पावर n का n इंटू x की पावर n माइनस 1, सो n इंटू x प्लस रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर होल रेस टू पावर n माइनस 1। अब इसको x सपोज किया तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन, x का हो जाएगा 1 अंडर रूट x का 1 अपॉन 2 रूट ओवर x, और 1 प्लस x स्क्वायर का फिर से 1 का 0 हो गया, x स्क्वायर का 2x, तो इंटू 2x। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन पूरा, y1 equals to n into x plus root over 1 plus x square whole raised to power n minus 1। अब देखो ये 2 से ये 2 cancel out होगा, और ये LCM आने के बाद क्या दिखेगा, x plus root over 1 plus x square ऐसा कुछ बन जाएगा upon root over 1 plus x square। अब देखो ये एक power है और ये इससे मिलके इसके power, इसके पास एक power कम है, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, पूरा n बना देगा फिर से। So y1 equals to n into x plus root over 1 plus x square whole raised to power n हो गया again upon root over 1 plus x square। अब देखो important क्या है, आपको यहाँ पे change करना पड़ेगा, यही y की value है। y की value क्या है, x plus root over 1 plus x square whole raised to power n। अगर आपने change नहीं किया, फिर से differentiation कर दिया तो फिर आपका answer नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी सी कुछ steps है इसमें, उनका आपको ध्यान रखना है। अब मेरे को इसको फिर से replace करना पड़ेगा किसमें, y में। y1 equals to n y upon root over 1 plus x square ऐसा हुआ। इसके बाद भी आपको एक दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, अब अगर मैं सीधा ही यहाँ पे डिफरेंशिएशन करता हूँ तो y2 तो आ जाएगा, बट अब यहाँ पे क्या होगा, u अपॉन v होगा। अब u अपॉन v को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अगर आप u इंटू v बनाते ना तो उसको सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y1 इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्व टू
एन वाई। अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ज्यादा आसानी से आंसर आएगा। अगर मैं यहीं पे डिफरेंशिएशन कर देता ना तो यू अपॉन वी अप्लाई होने के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, वो आंसर तो आ जाता बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। क्रॉस मल्टीप्लाई, अब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई वन को छोड़ दिया, रूट ओवर एक्स का वन अपॉन टू रूट ओवर एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अपन ने स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन याद किए थे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। तो यहाँ पे इसको मैंने एक्स सपोज कर लिया तो रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स। अब जिसको एक्स सपोज किया है उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो वन का हो जाएगा जीरो और एक्स स्क्वायर का टू एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया वाई वन का वाई टू इक्वल्स टू एन को छोड़ दिया वाई वन। एलसीएम ले लो, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे वाई वन एक्स प्लस ये दोनों मिलके रूट हट जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू हो जाएगा इक्वल्स टू ये रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इधर जाके एन वाई वन इंटू रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हुआ। अब यही तो पूछा था ना उसने, देखो मैच करो यहाँ पे एक्स वाई वन प्लस वाई टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आ गया आरएचएस में ये, बट ये ऑप्शन में नहीं होगा आपको, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको क्या है, ये देखो यहाँ पे वाई वन इंटू ये वाई वन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, इसकी वैल्यू क्या है एन वाई, तो ये जो टर्म है ना इसकी पूरी वैल्यू अपन ने पहले से निकाल चुके हैं कितना एन वाई, तो वो यहाँ पे सब्सिट्यूट करते ही एन इंटू एन वाई कितना हो गया एन स्क्वायर वाई। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसका आंसर कितना है फाइनल एन स्क्वायर वाई, ठीक है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप से सॉल्व होंगे, मैं उनको भी सॉल्व करवा देता हूँ, बट जो बेसिक स्टेप्स है वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी इस कैटेगरी के क्वेश्चंस की। अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आंसर फाइंड आउट करना। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू आपको दिया हुआ है y इक्वल टू e रेस टू पावर m साइन इनवर्स x, ये दे दिया और क्या पूछ लिया आपसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन की वैल्यू क्या होगी। तो सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, एक बार डिफरेंशिएशन करो तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x, तो e रेस टू पावर m साइन इनवर्स x। अब m साइन इनवर्स x का वापस से करोगे तो m तो कांस्टेंट है साइन इनवर्स x का, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी की वैल्यू तो क्या है y है। अब देखो दो तीन जो स्टेप्स है वो क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद y की वैल्यू फिर से रिप्लेस होगी, मैक्सिमम 99% इस कैटेगरी के क्वेश्चंस में ऐसा होता है, जैसे पहले वाले में हुआ वापस से y बन गया था, यहाँ पे भी वापस से y बन गया है। तो y1 इक्वल्स टू m इंटू इसकी वैल्यू क्या है y अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो पहली स्टेप है इसको ध्यान रखने की कि हाँ ये अपन को पहले रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आपने रिप्लेस नहीं किया फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया ना तो टर्म्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे, फिर यू माइट गेट कंफ्यूज कि किस टाइप से सॉल्व होगा, इसलिए स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना कि हाँ इसको रिप्लेस कर देना है। ये हो गया। यहाँ पे दूसरी याद रखने वाली चीज क्या है, u अपॉन v अप्लाई नहीं करना है, u इंटू v अप्लाई करना है। तो इसको इधर लेके आओ, y1 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उससे थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, बाकी ऐसा नहीं है यू अपॉन वी अप्लाई करोगे उससे भी आंसर तो आ ही जाएगा। ये हुआ, अब डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y1 को छोड़ दिया, रूट ओवर x का 1 अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से 1 का 0 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इस बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया y1 का y2 इक्वल्स टू m कॉन्स्टेंट है y1 y का y1। एलसीएम ले लोगे यहाँ पे तो माइनस टू, टू से टू तो कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का एक्स वाई वन रिमेनिंग रहेगा प्लस ये वाला टर्म इधर जाके रूट हटा देगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर हुआ इंटू वाई टू, ये जो एलसीएम था इधर चला गया एम वाई वन इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन इसकी जो वैल्यू है देखो यहाँ पे ये जो है अपने पास
y1 into root over 1 minus x square, इसकी वैल्यू कितनी है my, वो यहां पे पुट करते हैं, ये आंसर हो जाएगा m into my, तो m square y. तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है m square y. पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी क्या आया था n square y. तो सिमिलर कैटेगरी के क्वेश्चन है, बस बेसिक स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है. जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या है, y raised to power 1 upon m plus y raised to power minus 1 upon m equals to 2x given है. तो क्या पूछा है, x square minus 1 into y2 plus x y1 की वैल्यू क्या होगी. तो सिमिलर कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, इसमें भी वही अप्लाई करना है आपको. अब देखो, या तो सीधा डिफरेंशिएशन कर लो, बट जब आप यहां पे सीधा डिफरेंशिएशन करोगे ना तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो पहले तो मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन दी हुई है ये भी एग्जाम में पूछा गया था, तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वजह से मैंने तीनों क्वेश्चन आपको करवाए हैं. इसको मैं रिप्लेस करता हूं. तो देखो, y की पावर 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन y की पावर 1 अपॉन m है ये इक्वल्स टू 2x. एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, y की पावर 2 अपॉन m प्लस एलसीएम लेके ये इधर गया, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, प्लस 1 इक्वल्स टू 2x into y की पावर 1 अपॉन m, है ना. पहले एलसीएम लूंगा तो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होके y की पावर 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m ऐसा होगा यहां पे, y की पावर 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m. तो देखो, m कौन एलसीएम आया तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 अपॉन m, ऐसा हुआ. उसके बाद जो एलसीएम है उसको मैंने इधर भेज दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा. इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बिहेव कर रहा है. देखो, y की पावर 1 अपॉन m का होल स्क्वायर भी तो मैं लिख सकता हूं ना, इसको मल्टीप्लाई होते ही यही आ जाएगा, माइनस 2xy की पावर 1 अपॉन m प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी. अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो इसमें अपन d फाइंड आउट कर सकते हैं ना, या फिर सीधे y की पावर 1 अपॉन m की वैल्यू. तो y की पावर 1 अपॉन m इक्वल्स टू माइनस b, माइनस b तो माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना. a इक्वल्स टू यहां पे 1 है, b इक्वल्स टू माइनस 2x है और c इक्वल्स टू 1 है. तो माइनस b मतलब 2x प्लस माइनस रूट ओवर, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac. तो माइनस 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4, a इक्वल्स टू 1 है, c इक्वल्स टू भी 1 है, तो 4 का 4 वैसे का वैसा रहा, अपॉन 2a मतलब 2 इनटू 1 व्हिच इज 2. अब यहां पे y raised to power 1 upon m equals to y raised to power 1 upon m equals to, देखो 4 रूट से बाहर आते हैं यहां पे रहेगा, तो 2 पूरा कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा ये x plus minus root over x square minus 1, ये रिमेनिंग रहेगा. अब यहां पे फिर से आपको सोचना पड़ेगा, ये क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल है, जैसे a की पावर x, e की पावर x, है ना, 2 की पावर x. अब इसका जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव r प्लस, नेगेटिव कभी नहीं आता. तो ये नेगेटिव वाला साइन आपको यहां से छोड़ना पड़ेगा, है ना. तो यहां पे ओनली पॉजिटिव वाले साइन को लेके ही आप सॉल्व करोगे, नेगेटिव वाले साइन को लेके सॉल्व नहीं करना, ठीक है. तो अगर ये हो गया सॉल्व, तो अभी आगे चलते हैं. तो पॉजिटिव साइन लिया, अब आपको पता चल गया पॉजिटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि इसकी रेंज जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव वाला साइन मैंने हटा दिया. अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मेरे को लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट हो रहा है ना यहां पे. जैसे यहां पे आप अगर लॉग लोगे तो काफी इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, अगर आपने लॉग नहीं लिया तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी. तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, लॉग लेके सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि कांस्टेंट की वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ रहा है यहां पे. 1 upon m क्या है यहां पे, नहीं यहां पे m जो है आपका, m भी वेरिएबल है, जो क्वेश्चन है उसमें आपको वैसे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, log लेके भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो. मैंने log लेके सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, 1 upon m log y equals to, इसका इसमें log ले लो तो कितना हो जाएगा, log of x plus root over x square minus 1, ठीक है. लॉग नहीं लोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा. अब देखिए, अब यहां पे क्या होगा, अब मैंने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन m तो कांस्टेंट है, log y का 1 अपॉन y इनटू dy / dx, dy / dx को मैं y1 लिख देता हूं, क्योंकि ऑप्शन में अपन को वही लेके आना है y1 इक्वल्स टू,
log का 1 अपॉन, तो 1 अपॉन x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, यही होगा यहाँ पे। अब x स्क्वायर माइनस 1 का फिर से 1 प्लस 2x अपॉन 2 रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, है ना। काफी डिफरेंशियल सॉल्व कर लिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एलसीएम लेते ये सेम टर्म बना देगा। तो यहाँ पे y1 अपॉन my इक्वल्स टू कितना बना, रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x ऊपर अपॉन x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या रहेगा, ओनली रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, है ना। मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी ना, तो ये ऐसा कुछ शो होगा। ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई। y1 इक्वल्स टू क्या रिमेनिंग रहा आपके पास, ओनली my अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। यू अपन वी अप्लाई अपन को नहीं करना है। जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, वाई वन इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एम वाई। अब ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई वन को छोड़ दिया रूट ओवर एक्स का, 2x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया, प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ दिया, y1 का कितना हो जाएगा यहाँ पे y2 इक्वल्स टू m को छोड़ दिया y का y1, y m का m को छोड़ दिया y का हो जाएगा यहाँ पे y1, ठीक है। अब देखिए LCM लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास 2xy1 प्लस यहाँ पे रूट हट गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई टू इक्वल्स टू ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी तो एम वाई वन इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये होगा। अब आपको पता है क्या होगा यहाँ पे, y1 into root over x square minus 1 की वैल्यू, ये जो है y1 into root over x square minus 1 की वैल्यू में क्या सब्सिट्यूट करूंगा, my, तो यहाँ पे कितना हो गया ये my, और इसी टर्म की वैल्यू इसने पूछी थी। तो जो प्रोसीजर है ना इस कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सभी में सेम ही है, ओनली आप हमेशा ऐसी वाली स्टेप तक पहुंचोगे, उसके बाद u upon v अप्लाई ना करने के बाद ना करना है आपको, और u into v अप्लाई करना है। u upon v करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आंसर तो उसमें भी आ जाएगा। यही पूछा था उसने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, नहीं यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। हाँ नहीं, ये पुराना वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये है, ये पूछा था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई 1, और यहाँ पे 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया था, है ना, रूट ओवर एक्स का 1 अपॉन 2 रूट ओवर एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो ये वाला 2 भी नहीं आएगा। तो आंसर कितना है अपने पास, एम स्क्वायर वाई, एम स्क्वायर वाई इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आंसर भी ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है सभी में, पहले वाले क्वेश्चन में एन स्क्वायर वाई था, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी एम स्क्वायर वाई, और थर्ड वाले क्वेश्चन में भी एम स्क्वायर वाई, तो थोड़ी सी सिमिलरिटी है। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए, तो आई होप आपको समझ आए होंगे ये वाले क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व हुए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।